हाय फ्रेंड्स, कार्डियंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम लहसुन की चटनी बना रहे हैं, गार्लिक चटनी, जो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है और ये एक साइड डिश की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और महीनों आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे बनाने के लिए हमने कुछ इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। 1 इंच मैंने जिंजर ली है, अदरक, और इसे मैंने छील करके काट लिया है। 1 से 1.5 चम्मच हम लेंगे ज़ीरा और 1/2 छोटा चम्मच हम लेंगे सरसों के दाने और 1/2 कप मैंने लिया है लहसुन की कलियां, छील करके ले लें। 1 चुटकी हमें चाहिएगा हींग और कुछ मैंने करी पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास इसका ये पत्ते हैं तो आप यूज़ करिए। और तेल हमें ले लेना है फ्राई करने के लिए। और ये हैं लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च 1 कप के करीब है और इसे मैंने 2 घंटे गर्म पानी में भिगो दिया था और उसके बीजों को मैंने निकाल लिया है ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। तो चलिए, एक पैन में हम डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल और हम इसमें डाल लेंगे लहसुन की कलियां। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, बस हल्का सा ये कलर चेंज हो जाए तब तक ही हमें पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं अदरक को डाल दूंगी और इसे भी हम पका लेंगे। तो कुछ सेकेंड्स हम अदरक को पकाने के बाद में अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, जिसे हमने गर्म पानी में भिगो करके 2 घंटे रखा था और बीज को मैंने निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा तीखा हम नहीं खाते हैं। अगर आप तीखा यूज़ करते हैं तो आप बीजों को मत निकालिएगा। और इसे भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इसमें मैंने डाल लिया 1 छोटी चम्मच के करीब ज़ीरा। तो ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन की कलियां बहुत महक रहा है किचन अभी। तो बस लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे भून लिया है और अब मैंने गैस का फ्लेम कर लिया है ऑफ और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी वाली चटनी बनने वाली है। आप इसे फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में डाल करके स्टोर कर सकते हैं, महीनों तक ये ख़राब नहीं होने वाली है। और ये लीजिए, मैंने इसे पीस लिया है, देखिए कितनी ज़बरदस्त टेस्टी वाली हमारी चटनी बनी है। और इसे मैं लगा लूँगी और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो इसे हम तड़का लगा लेंगे। तो 1 छोटे चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाला है पैन में और ज़ीरा डाल दिया है और 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने मैंने डाले हैं और हींग 1 चुटकी के करीब हम इसमें डाल लेंगे। और जब ये पक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता को, ऑप्शनल है ये, अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप डालिए, अदरवाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटनी हमारी वैसे भी बनने वाली है। और जो हमने चटनी अभी पीस करके रखी थी इसे हम डाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग में आप सब्सक्राइब देख सकते हैं, उसे आप दबाएं और दबाने के बाद में जो घंटी दिखेगी उसे भी आप ज़रूर दबाइएगा। अगर आप घंटी को नहीं दबाएंगे तो हमारी जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं वो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो घंटी को दबाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे पका लिया है, गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। अब हम नमक डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार मैं लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं पैन में ऑयल कैसे सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब तक आपको पैन में अलग से तेल ना दिखे तब तक हम इसे पका लेंगे। और याद रहे, लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। तो जब तेल अलग हो जाए अच्छी तरह से तब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। और इसे मैं एक सर्विंग डिश में अभी डाल रही हूँ, हम एयरटाइट डब्बे में डाल करके फ्रिज में महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी इस वीडियो को शेयर करें, अपने प्यारे से कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।